देख दुर्गा, परिवार के मामले बहुत पेचीदे होते हैं। घर में इतने लोग हैं तो कुछ न कुछ तो होना ही है। अरे रसोई में चार बर्तन भी एक साथ रख दो ना, तो वो भी टकराते हैं, उसकी भी आवाज आती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रसोई बंद करते। रसोई और इंसान में बहुत फर्क होता है माँ। दुर्गा, तुझे दोबारा सोचना चाहिए। देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि बबलू तुझसे कितना डरता है। वो 2 साल तक अपनी पत्नी से अलग रहा क्योंकि उसकी तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। और फिर तेरा गुस्सा होना भी जायज है, मैं मानती हूं, लेकिन डोर को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, क्योंकि एक बार डोर टूट जाती है ना दुर्गा, उसमें गांठ पड़ जाती है। और फिर मैं ये भी नहीं कहती हूं कि तू उसे माफ कर दे, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि तू उसे घर वापस ले आ, बस। मैं धोखेबाजों को और नहीं पाल सकती ना। दुर्गा, ऐसा क्या कर दिया है बबलू ने? हाँ दुर्गा, तो इसी तरह से लोगों पर गुस्सा करती रहेगी ना, तो एक दिन तो अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेली। आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया ना, इसलिए आप समझ नहीं सकते। माँ, जब आपकी पीठ पे कोई छुरा पड़ता है ना, बहुत दर्द होता है उस वक्त। बबलू को मैंने बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला, और वो उस दो कौड़ी की औरत के साथ चला गया मुझे छोड़कर। आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आता है माँ, इस सब सिद्धार्थ की वजह से हुआ है। पहले मेरी बेटी छीन ली और अब मेरा देवर। देख दुर्गा, तू कहां का गुस्सा कहां निकाल रही है? दुर्गा, सिद्धार्थ रिश्ते बनाकर उसे निभाना जानता है, इसीलिए आज सबके सामने तूने उसे इतना जलील किया, फिर भी वो एक शब्द नहीं बोला, ताकि बबलू के नाम पर कोई दाग न लगे। रिश्ते बना लेना बहुत आसान है दुर्गा, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। देखना, आज ही तूने बबलू के साथ बरसों का बना बनाए रिश्ता तोड़ दिया। शुक्र मान कि इस घर का जमाई सिद्धार्थ है, जो इतना कुछ होने के बाद भी डट कर रहा है। मुफ्ती रोकियां तोड़ना चाहता है इसलिए। ये भगवान, अगर इसी तरह से इस घर की बागडोर तेरे हाथ में रही ना दुर्गा, तो बहुत जल्दी ये परिवार टूट जाएगा, याद रखना।